हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आयरन। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वेलकम टू द पॉजिटिविटी। तो जो भी एंजल नंबर 555 देख के इस चैनल पर अट्रैक्ट हुए, रीडिंग पर अट्रैक्ट हुए, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में पॉजिटिव एंड मेजर चेंजेस होने की बहुत बहुत संभावना है। तो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। बहुत लोग कोशिश करें कि जानने का कि मैं कौन हूँ, कभी कुछ मतलब मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं क्या, मतलब क्या है, मतलब मेरा नाम क्या है, और न जाने क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें। बट थिंग इज दैट कि मैं अपना नाम या अपने आप को छुपा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता नहीं रही हूँ। वो इसलिए है क्योंकि मेरे लिए ये जो टैरोट रीडिंग करना और ये जो मैं काम जो कर रही हूँ, मेरे लिए एक इंटेंशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आपका प्रॉब्लम है और उसके लिए आप मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मेरी आपके प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन, उसके ऊपर ही मेरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और सेम वे मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी तरफ एक गाइडेंस की तरह ही देखो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ लाइफ में, मेरे क्या प्रॉब्लम है, आपके, मुझे आपके ऊपर हंसने का या आपके ऊपर दुख जताने का, मतलब बेचारा टाइप फीलिंग और हंस, वो सब फीलिंग मुझे नहीं करनी है और नहीं करने का इच्छा है किसी के लिए भी नहीं। तो मेरा सिर्फ इतना इंटेंशन रहता है कि एक टैरोट काउंसिलर, मैं अपने आप को इसमें तो टैरोट रीडिंग करती हूँ, बट मैं अपने आप को टैरोट काउंसिलर कहती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ रीड करना प्रिफर नहीं करती, आपको गाइड करना प्रिफर करती हूँ। तो मेरा इंटेंशंस बस इतना ही है। तो जो लोग भी गाइडेंस के लिए आ रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इससे जुड़े रहें, वरना आपकी मर्जी, वो आप क्या चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और मेरी रोज़ रीडिंग करने के पीछे इंटेंशन यही है कि आपकी हार्ट की हीलिंग, बस आप, यही मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे ना, हैंडबैग की सिचुएशन मुझे दिखती है कि जैसे कि आपकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस चालू है, आपको इसके लिए अटकाया गया है कि आपको कुछ समझना बाकी है बस इसके लिए। तो मैं इस इंटेंशन से रीडिंग करती हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, वो हीलिंग के पर्पज़ से कर रही हूँ। तो जो भी लोग इस पर्पज़ से अगर रीडिंग देखना चाहते हैं और ज़रूरी है और इंटेंशनली, ऑब्वियसली आपको कोई गाइडेंस भी मिले, ये भी मेरा एक इंटेंशन रहता है। तो जब भी आपका कमेंट आता है कि कॉल मैसेज आया है या यूनियन हुआ है, तो आपसे ज़्यादा खुश तो मैं होती हूँ, और मुझे इससे भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहिए कि मुझे क्या इंटेंशन है, मुझे इच्छा क्या है कि आपका रिश्ता है ना जो पहले था, उस वैसे ही ना रहे, उससे भी कहीं बेहतर बने। आप लोग का जो सोल लेवल कनेक्शन है ना, वो आप दोनों को एहसास हो और रिश्ता पहले से भी खूबसूरत हो, ये ही मेरी बस इच्छा है। तो इसके लिए मैं डेली बेसिस पे जब आपसे बात करती हूँ, तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसा हो, इस बात पे मेडिटेशन के थ्रू ही बहुत पॉजिटिव वाइब्स सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड अगर आप चाहो तो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैजिशियन, तो आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आया है मैजिशियन का कार्ड, और ये दिखा रहा है कि आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और किसे मिस, किस कनेक्शन को मिस किया जा रहा है, द लवर्स को। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। और बॉटम में देखें पावर, और जिस तरह से मैंने कहा है कि मेरी, आप देख रहे हो पिछली रीडिंग्स में भी, आप कंटिन्यूशन में देखो मेरे रीडिंग्स में, उनके सिचुएशन में टावर डेथ तो चलता ही है, टावर डेथ, क्योंकि मुझे वाइब है कि जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए, माना कि बहुत सारे लोग हैं, जनरल रीडिंग है, बट ऐसा लगता है खास करके कुछ लोगों के एनर्जी जोन में बहुत फ़र्क आ गया है और फ़र्क पड़ने वाला है।
उनके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिखता है टावर, टावर ऐसा ऐसा भूचाल, एक भूकंप, ऐसी इमारत का गिरना जिसकी नींव मजबूत नहीं है, जो चीज़, जो रिश्ते, जो लोग, हर चीज़ जो अपने लिए नहीं बनी है वो अपने अपने से छूटनी है। आपकी लाइफ में जो टावर आया है, आया था या आया है, जो टावर सिचुएशन, सेपरेशन, आप जैसे टूट के रह गए, वो इसलिए था क्योंकि अपने आपने अपने सोल पर्पस को पहचाना नहीं था या पहचान के भी भूल गए हैं। वो मैंने मैं मतलब मुझे नज़र आता है आपका सोल पर्पस है कि अपने आप को उठाना। आप इतने अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को डिपेंडेंट, अपने आप को अवेलेबल दिखा रहे हैं, उस वजह से ये टावर आया था। तो वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इनकी लाइफ में जो टावर आया है उसका रीज़न और हो सकता है कि कार्मिक सिचुएशंस हो सकती है, उनको पिछले जन्म का, इस जन्म का कुछ तो लेना देना था ना। और ख़ास करके जैसे बोला ना कि हम किसी का अगर दिल तोड़े, हमें ऐसा लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऊपर वाला तो सब देख रहे हैं ना। किसी ने नहीं देखा इसके मतलब चोरी हुई नहीं है या दिल टूटा नहीं है, वो तो हो नहीं सकता ना। तो ऊपर वाला तो सब देख रहे हैं, माना कि सबकी जर्नी अलग है, सब कुछ अलग अलग लोगों का अलग सिचुएशन, टाइमिंग, सब कुछ हो सकता है, लेकिन चीज़ तो कॉन्सेप्ट तो वही है, दर्द तो वही है। दिल टूटने की आवाज़ नहीं होती लेकिन शोर इतना होता है कि बस खुद को ही सुनाई देता है, लेकिन यूनिवर्स को भी सुनाई देता है। तो आप प्लीज़ अपने आप को भरोसा कीजिए कि आपके लाइफ में न्याय तो ज़रूर होने वाला है। और जिस तरह से मुझे वाइब है कि अगस्त में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है। आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपका रिश्ता सच में कार्मिक है कि सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है, क्योंकि अगर रिश्ता सच्चा है तो ये चीज़ें फील होना ही है। बस आपको अपने आप को उठाना है, चीज़ें इस कदर बदलेंगी आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से है कि उनको अंदर ही अंदर सिचुएशन में, उनको मतलब अपने लाइफ में बहुत सारे बदलाव फील हो रहे हैं, सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल की उनकी गाइडेंस हो रही है कि अपने लिए रिश्ता क्या है और क्यों ये कनेक्शन मेरे लिए खास है, बहुत फील हो रहा है। आपकी यादों में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आपको अनजाने में से मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग आपको दिल से याद करते हैं तो उनका अनजाने में सही मैनिफेस्टेशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भले वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स हैं, मतलब जिस तरह से मुझे एनर्जी वाइब मिल रही है उनकी, तो ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है फिलहाल की लाइफ में उसमें वो फंसे हुए मुझे बहुत नज़र आते हैं, फंसे हुए, तो वो उस वजह से आपकी तरफ आने का डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन प्यार वो दिल में बहुत बहुत छुपाए बैठे हैं। कुछ लोगों को एहसास हो रहा है, इसलिए तो बेचैनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, और जिस तरह से टावर गिर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती होंगी, रिश्तों में बदलाव आते होंगे, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी मतलब निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस है, जहाँ पर वो सोल लेवल पर बहुत सारे चीज़ें को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज उनको जाके हिट कर रही है, और उनको हर चीज़ का जैसे एहसास हो रहा है बहुत, और वो एहसास फिर आपको रिटर्न आ रहा है कि आपको वो याद करे तो आपको वो फील हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि इतने दिनों से मैं शांत बैठा था या बैठी थी और अचानक से रोना धोना कहाँ से चालू हो गया, तो वो एक चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं उनकी उनका नाम दिखता होगा, बैठे बैठे याद आती होगी या अचानक से रोना आता होगा, तो ये एनर्जीज उनकी ही है। तो देखते हैं कि उनके सेक्रल चक्रास कहाँ पे अटके हैं। रिकवरी, फेथ, सर्विस, विक्टिम, वैनिटी,
और बैलेंस। बॉटम अप डेक है मिस्टिसिज्म। अपने लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको वो कुछ लोग तो समझ नहीं पा रहे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे, परेशान हो रहे कि ये क्या किया ऊपर वाले ने मेरे पे लाइफ में सब कुछ तूफान एक साथ डाल दिए और मैंने क्या किया है। बट जब अंदर ही अंदर सोचते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों का विश्वास होता है कि ये सब मेरे साथ होना, मतलब मैं ये सब होने का एक बोलते ना इसी लायक था या लायक थी क्योंकि मैंने गलत किया है, उस बात का एहसास है। फिलहाल कुछ लोग लिटरली बीमार हो सकते हैं तो रिकवरी प्रोसेस में है और मुझे इवन वो हीलिंग प्रोसेस में नज़र आ रहे जहाँ पे अपनी हार्ट हीलिंग बहुत उनकी चल रही है। हीलिंग उनकी हार्ट हीलिंग इस तरह हो रही है क्योंकि उनको एक अपनी गलती का एहसास होना, सच्चे प्यार का एहसास होना, अपने सोल लेवल पे कनेक्ट होना, इस तरह से उनकी हार्ट हीलिंग के जरिए। हर एक की अपनी अपनी प्रोसेस होती है, हर एक का तरीका होता है। जैसे आपका ये टैरोट रीडिंग देखना या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग देखना या उसके थ्रू आपके सवालों को जवाब जानना, ये आपकी एक हीलिंग हो रही है। आप किसी के भी देखो और कहीं पर देखो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर किसी चीज़ से दिल से फील हो रहा है, सोल लेवल पे फील हो रहा है, कुछ भी चीज़ का एहसास ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपको एक हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा रहा है। जैसे जैसे आप शांत होते जाओगे वैसे वैसे आपके सवाल कम होते जाएंगे और जवाब ज़्यादा मिलते जाएंगे। आप उस लेवल तक, उस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे जहाँ पे आपको सॉल्यूशन अपने आप नज़र आने लगेंगे, सॉल्यूशन अपने आप नज़र आएंगे। तो अभी आपको लग रहा है कि रास्ते में कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, बट अभी जिस तरह आपकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी, आपको अपना जैसे ना धुआं है सामने और वो खुल जाएगा और आपको सामने मंजिल ज़रूर दिखाई देगी। उनका यूनिवर्स के ऊपर विश्वास बढ़ते जा रहा है। वो शायद सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं या डॉक्टर होंगे, हीलर होंगे या कुछ भी, या फिर उनके घर में कोई बीमार है उनकी सेवा करते हुए नज़र आ रहे। और बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी, जैसे अपने आप की एनर्जीज़, जैसे नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ में बैलेंस करना या इस रिश्ते में अभी देने की बारी है, ये बात को समझना, ये बहुत जानते हैं। अपने अंदर बहुत ही ज़िद या खोखला ईगो बोलते ना वो छुपाए बैठे, अपने ही अंदर रहना बहुत पसंद करते हैं, अपने स्पेस में। आइसोलेशन की एनर्जी अपने अंदर बहुत, मतलब एक हर्मिट की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। बहुत ही अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल जवाब और अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद ही कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या गलत, क्या सही था, क्या था, और वो पलों को याद कर रहे हैं, हर चीज़ मतलब अपने अंदर ही रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, बहुत ही फंसा हुआ फील करें, बहुत ही बेबस फील करें कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे ना सिचुएशन में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर पेरेंट्स की वजह से ये रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स को मनाना या उनकी मर्ज़ी के बगैर कमिटमेंट करना या देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा फंसे हुए और मतलब बेचैन हो रहे हैं कि बेबस फील कर रहे हैं कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो वो एक फीलिंग है। एडजस्ट पॉसिबिलिटीज, ब्रोकन हार्ट, मैंने कहा ना बहुत डिस्टर्ब मतलब हालात में है, दिल टूटा हुआ है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में ब्रेकअप या मतलब कहीं ना हमें जैसे बहुत विश्वास होता है किसी के ऊपर। सपोज पेरेंट्स के ऊपर विश्वास था कि कभी ना कभी तो मान जाएंगे या इस कदर नहीं होगा, मतलब थोड़ा वक्त के बाद तो मेरी खुशी का एहसास होगा, ये जब नहीं सोचा जा रहा है तो उनका दिल बहुत टूट रहा है। स्ट्रैटेजी, मन में बहुत सारी खिचड़ी पक रही है कि कैसे 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 आपके तरफ आया जाए, ऐसे फील हो रहा है। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब हर एक मुमकिन कोशिश जिसे आपकी तरह दिख रही है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कैसे हो सकता है, कुछ और रास्ता भी है, ऐसे सोचते हुए मुझे बहुत बहुत नज़र आ रहे। बहुत खिचड़ी पक रही है कि कैसे किया जा सकता है।
अटैचमेंट, बहुत 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 ज़्यादा अटैचमेंट फील करे, क्योंकि अभी है ना चीज़ें ना बहुत सोल लेवल पे खींच रही है, बहुत सोल लेवल पे। जिस कदर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है तो वो जो एनर्जीज है ना उनको सोल लेवल पे बहुत चीज़ों का एहसास करा रही है, बहुत सारी चीज़ों का, सही गलत का, अच्छे सच्चे का, और ख़ास करके आपके साथ बिताए पल, ख़ास करके आपकी की मदद और आपका मतलब आपका साथ देना वगैरह, हर चीज़ है ना बहुत बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा फील, बहुत अटैचमेंट फील हो रहा है। जर्नी तो हो सकता है कि वो जर्नी करके आपसे मिलने आए, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मूवमेंट है, मूवमेंट हो रहा है उनका आपसे आके मिलने का। लिटरली ऐसा लगता है कि अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं तो मन में ज़रूर ख्याल आता है कि भाग के आपकी तरफ आ जाए। हीलर ऑफ द एजेस अगेन, जिस तरह से मैंने कहा ना कि उनकी एक तरह से हीलिंग चालू है, उनको सही गलत और सच्चे अच्छे का, असली नकली का पहचान किया जा रहा है, उनके लाइफ में टावर गिराए जा रहे हैं ताकि उनके उनको तोड़ के नए से सिरे से बनाया जा रहा है। तो जो लोग वो समझ पा रहे हैं, अपनी अकड़ में नहीं रह रहे, अपनी वैनिटी में नहीं रह रहे, तो उनको वो चीज़ है ना बहुत समझ में आ रही है, बहुत सारी चीज़ें। और लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं ना मुझे फंसे हुए फील हो रहे हैं, क्योंकि चाहते हुए भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, ना कमिटमेंट कर पा रहे, ना कुछ बोल पा रहे, क्योंकि जब लवर्स का काल था तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी सोल लेवल पे तो अपने प्यार को ही पुकार रही है, जो भी सच्चा प्यार है। तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मुझे, लेकिन मुझे तो मेरे से जुड़े हुए लोग तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में नज़र ज़्यादा आ रहे हैं, और ट्विन फ्लेम तो है ही, बट सोलमेट कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होना आपके सेपरेशन को ज़्यादा जल्दी एंड कर सकता है, ऐसे मुझे समाव फील हो रहा है। और जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत बंधे हुए फील हो रहे हैं, यही है बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी, बहुत बंधे हुए, मतलब इच्छा है मन में, बहुत बहुत प्यार है, और मतलब आपको बताते नहीं होंगे या आपको कभी बताया भी नहीं होगा या पता नहीं क्यों, लेकिन अभी खास करके अभी है ना बहुत बहुत एहसास हो रहा है हर चीज़ का, और ऐसा लगता है कि जैसे सब चीज़ तोड़ के आपके पास आ जाए, ये बहुत फील हो रहा है। 5 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, देन है 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 एंड 6। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 डेज 6 डेज में मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, और बंधे हुए फीलिंग का वो शायद आपसे बात भी करे। लेकिन सबसे बड़ी रिक्वेस्ट, बहुत डिस्टर्ब हालात में गुजर रहे तो सामने से कॉल मत करें, क्योंकि आप जब सेपरेशन में अलग होने का एहसास दिलाएंगे, आप अवेलेबल हो, उनके लिए हमेशा हाजिर हो ऐसे दिखाएंगे, तो मतलब कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी। उनको आपकी दूरी का एहसास, आपकी वैल्यू होना वो बहुत ज़रूरी है, तभी जाके चीज़ें बहुत क्या बोलते हैं, चीज़ें चेंज होगी। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। Two of Cups, Knight of Cups, Three of Wands, The Devil, The Hierophant, Wheel of Fortune, Five of Wands, Nine of Swords. मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन आने का स्कोप है 5 to 6 days में, मुझे 8 hours में और 8 days में भी नज़र आ रहा है, और 10 of Swords। तो मैंने कहा है कि एनर्जी तो यही है, टावर डेथ, हर चीज़ वही चल रही है। टावर तो मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और अभी है ये एनर्जी उनकी। आप देख सकते हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है,
रातों रातों भर जाग रहे, मतलब परेशान बेचैन बहुत ज़्यादा है, धोखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है बहुत, मतलब धोखा इन द सेंस कि हम लोग जब सोचते हैं ना कि ये इंसान मेरी तरह होगा, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी धोखा है, और कहीं दोस्तों से है, बिजनेस में है, हर चीज़ से कहीं ना कहीं से धोखा हुआ है कि मतलब प्रमोशन के लिए किसी और को पसंद किया गया है, या ये इतना मेहनत कर रहे थे और अचानक से वो सब चीज़ हुआ है, प्रमोशन किसी और को मिला है, ये भी एक तरीके का अपने आप को धोखा हो गया है उनके साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनकी सिचुएशन क्या है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन धोखा तो ज़रूर हुआ है, रातों रातों को जाग रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो घर वालों के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन है, और ये खुद चिड़चिड़े हो गए, ये खुद चिड़चिड़े हो, तो आपको ऐसा लगा ना कि आप अचानक से चिड़चिड़े हो गए, तो डेफिनेटली ये इनकी एनर्जी है कि वो एनर्जीज मतलब ना मिरर कर रही है, वेटिंग है बहुत ज़्यादा, कि जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा था, कुछ प्लान किया है, तो उसका कैसे ठीक होगा, जैसे तूफानों के गुजरने का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि काश कब कैसे और कब ठीक हो जाए, वो वेटिंग एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। और बेहद अनकंडीशनल लव, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस ऑफ द लव चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा ना कि वहाँ से लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत दिल से मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जाग रही है, मतलब शायद पहले कभी ज़्यादा फील नहीं किया ना, तो अभी बहुत एहसास हो रहा है, एहसास बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे हो रहा है, क्योंकि ये सोलमेट हायर लेवल ऑफ सोलमेट का कार्ड है, और बहुत ज़्यादा फीलिंग है आपके लिए, आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ना भी चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं कि आपकी तरफ ये प्यार का कप लेके आ जाए, मूवमेंट तो डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपनी सिचुएशन ऐसी है उनकी, जिस तरह से वो बंधे हुए फील हो रहे हैं, तो और दो चीज़ें हैं जो मुझे दिखाती है कि उनके लाइफ में ना अभी वो जो सिचुएशन या लोग लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या अभी जो लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो है ना कर्मा को पे कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ की भी ये जो साइकिल है चेंज हो रही है, वो जो उनकी कार्मिक साइकिल्स है, कार्मिक साइकिल्स मुझे कंप्लीट होते नज़र आ रही, और अपने एडिक्शन में फंसे हुए, अपने ही जंजालों में फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे, अपनी बुरी किस्मत के लिए कोसते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने कर्मों का एहसास हो रहा है, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के है, लेकिन कर्मा तो उसमें है ही है, वो खास करके कुछ निगेटिव एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में भी नज़र आ रहे कि जैसे बंधे हुए हो, वो ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। आप देख सकते हैं कि निगेटिव एनर्जीज, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंड और दूसरा एक सिचुएशन में स्पेशली रात को फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कि बहुत फील करते हैं और बेचैन हो रहे हैं, और आपसे ना बात करना चाहते हैं, मन तो डेफिनेटली है आपसे बात करने का, कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन कभी कभी ना खुद ही डर जाते हैं, या मतलब क्या बोलूँ, कमिटमेंट का बोले तो कैसे क्या जवाब दूँ, और न जाने क्या क्या, और आगे क्या, मैं सामने वाले को क्या दूँ, ये सोच के डर के और अपने ही ख्यालों में बेचैन होके जैसे रात गुजर जाती होगी, लेकिन बात करने का बहुत बहुत मन है। तो जो लोग हिम्मत कर पाएंगे तो ज़रूर उनको कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से, तो जो भी सोच रहे कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आया ऐसा वेट करें, तो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनको ऐसे पॉजिटिव वाइब सेंड कीजिए कि जिसके थ्रू उनको एहसास हो कि आप उनके साथ हो, कम से कम बात करके हम लोग आगे बातचीत सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो उनको एहसास दिलाए, आप टेलीपैथी से, मैनिफेस्टेशन से, एनर्जी लेवल पे उनसे बात कर सकते हो, तो वो है। और डेफिनेटली शादी के ख्याल डेफिनेटली मन में है बहुत ज़्यादा, मतलब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कमिटमेंट की इच्छा है, दिल से बहुत ज़्यादा प्यार फील करें, गुजर क्या बोल रही हूँ, सॉरी,
प्यार बहुत फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और कमिटमेंट, जैसे कि सोचते होंगे कि काश हमारी शादी हो या उसके बाद रिश्ता कितना खूबसूरत हो, हर चीज़ के बारे में जैसे सोचा जा रहा है। तो देखते हैं कि मून गाइडेंस क्या है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, परेशान हो रहे, परेशानी से हल नहीं निकलेगा, परेशानी से हल नहीं निकलेगा, परेशानी से आपका जो सोल्यूशन है वो और डिले होता जाएगा। शांत हो जाइए, चीज़ें अब तक नहीं बदली हैं तो ऐसे नहीं कि रातों रात बदल, लेकिन आपके शांत होने से शायद फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन अगर वर्क नहीं कर रहे, उसके पीछे रीज़न है कि आपकी एंग्जाइटी। आप अगर सोचेंगे कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा कि नहीं वगैरह, ये सब क्वेश्चन करते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि आपने इतना सब कुछ सह लिया है, अपना इतना दूरी सह लिया है, आपने इंतज़ार कर लिया है, अभी कुछ नहीं हुआ, कम से कम कुछ वक्त ये सब करके देखिए। आपका कुछ नहीं जा रहा है, नुकसान कुछ नहीं है, कम से कम पॉजिटिव और ये सब मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना के देखिए, तो फिर आपको अपने आप का वो भरोसा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। बैलेंस का कार्ड आया है और मैंने कहा है ना कि अब ये सिचुएशन है ना, कम या ज़्यादा नहीं, हर चीज़ का सही सही फैसला होगा, न्याय होगा, डेफिनेटली हर चीज़ का न्याय होगा। एंजल आंसर्स। परफेक्ट टाइमिंग, शायद आपका अभी जो परफेक्ट टाइमिंग है आ रहा है, मतलब अभी मौका आया है, तो चौका मारने के लिए रेडी रहिए। आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, सिर्फ कब होगा, क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कब से मैं रीडिंग देख रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। आप मुझे बताइए ना कि क्या हो सकता है, इतने सालों से वेट करे, कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम पॉजिटिव होके अपना जो मैं बोल रही हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ये तो करिए। आपके लिए ही चेंजेस लाने आपको लाइफ में, तो परफेक्ट टाइमिंग्स तो मुझे दिख रही है। मैंने कहा शुरू में ही अगस्त में मुझे बहुत उम्मीद है। अपॉर्चुनिटी, अगेन अपॉर्चुनिटी है आपको हर चीज़, मैंने जैसे ना मौका आया है, मौका मुझे हर चीज़ में दिख रहा है कि मौका आया है, हर चीज़ को जैसे सुधारने का, हर चीज़ पाने का, हर चीज़ जैसे आपके लिए टाइमिंग खुल रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो खास करके इवन मुझे आपके करियर, जॉब, बिजनेस, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी और टाइमिंग भी नज़र आ रही है, तो आप उस तरीके से भी ले सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आपके ऊपर बरसने वाली हैं, तो आपकी पॉजिटिव मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन हर चीज़ में काम करेंगे, सिर्फ आपके लव लाइफ में नहीं, आपके करियर और बिजनेस जॉब में भी काम करेंगे, क्योंकि आपके जो हार्ट हीलिंग, आपके जो हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना, उसकी वजह से आपको बाकी चीज़ों में भी निगेटिव असर दिख रहा है। जैसे जैसे ये ब्लॉक्स खुलते जाएंगे, तब आपको हर चीज़ का एहसास ज़्यादा होते जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा मिलते जाएंगे। तो कुछ मैसेज है मैंने निकाल के रखे थे। आई बिलीव दैट देर इज़ अ इनविजिबल बॉन्ड बिटवीन अस दैट होल्ड अस टुगेदर व्हेन वी हैव लॉस्ट अवर होप्स। आई लव यू। ये मैसेज कह रहा है कि आपके बीच में एक सोलमेट कनेक्शन का जो बॉन्ड है, खास करके ये जो कार्ड है ना, ये मुझे फील होता है, ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मतलब वो खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्या खिंचाव है जो मैं फील कर पा रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि आपसे बेहद प्यार करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू बट आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। मतलब ये कह रहा है कि आपको वो कैसे शुक्रिया अदा करे, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ में देखने की वजह से, अपनी लाइफ में होने की वजह से बहुत बहुत लकी समझते हैं, और आप उनके लिए लकी चार्म हो। माय फेवरेट प्लेस इन ऑल द वर्ल्ड इज नेक्स्ट टू यू माय लव। वो कह रहा है कि दुनिया में सबसे फेवरेट प्लेस उनकी है कि आपके साथ होना, बहुत ही खूबसूरत। आई विल बी देयर फॉर यू। वो आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। और ऑल माई बेटर डेज द वंस आई स्पेंड विथ यू।
वो ये कह रहा है कि उनके उनके लिए सबसे बेटर डेज, मतलब सबसे खूबसूरत दिन वो है जो आपके साथ बिताए हुए, आपके साथ जो अच्छी मेमोरीज है वो बहुत याद की जा रही है, और बहुत खूबसूरत मैसेजेस दिल में तो यही है, दिल में तो भर भर के प्यार है, बस आपकी अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर है और उनके लाइफ की स्पिरिचुअल या अलग तरीके से जो हीलिंग है उसके ऊपर है। तो इतनी अच्छी रीडिंग देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।